नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स। दोस्तों, चिड़ावा शहर में एक चोरी की वारदात अभी कुछ ही देर पहले हुई है। हालांकि चोर ने कब प्रयास किया, कब क्या किया, वो तो अभी तक नहीं पता चल पाया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन आपको बता देता हूं कि कुछ महीनों पहले ही चिड़ावा शहर में वीवो के एक्सक्लूसिव शोरूम बालाजी मोबाइल की दुकान पर जो चोरी की वारदात जिस तरह से हुई थी, जिस एंगल से हुई थी, सेम उसी एंगल से हुई है आज भी। एक दुकान है ज्वेलर्स की खेतरी रोड पर, उसकी दीवार को पीछे से तोड़ा गया, जो आप वीडियो में देख भी सकते हैं किस तरह से उस चोर ने, अज्ञात चोर ने किस तरह से इस दीवार को तोड़ा है और फिर दुकान के अंदर प्रवेश किया है। हालांकि इस दुकान में सोने चांदी के जेवरात रखे थे, कितने जेवरात गए हैं, कितने जेवरात चोरी करके ले गए, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। मालिक यहाँ पर दुकान के पहुँच चुके हैं, वो अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं, लेकिन चढ़ावा पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं। लेकिन खास बात यह कि कुछ दिनों पहले ही, 4-5 रोज पहले ही यहाँ पर इसी दुकान में दीवार तोड़ने का प्रयास किया गया था, तब दुकान के जो मालिक है उन्होंने चिड़ावा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी। पूरी जानकारी जो है दुकान के मालिक हमारे साथ है, उनसे बातचीत करके लेते हैं। हमारी खेतरी रोड चिड़ावा में खेतरी रोड के दुकान है, उसमें 3-4 दिन पहले तोड़फोड़ हुई, फिर हमने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की। उसके बाद उन्होंने मतलब अप्लीकेशन स्वीकार करके और मतलब कि जाँच करेंगे उन्होंने बोला। और कल रात को करीबन 1 बजे तक हमने देखा कोई नहीं था, और 1 बजे के बाद वहां पर तोड़फोड़ करके चोरी की। दीवार को तोड़ा गया। सामान लेकर गए, सामान अभी देखना पड़ेगा कितना क्या ले गए, वो अभी देखा नहीं है। सोने चांदी के जेवरात थे दुकान में, चांदी ज्यादा थी, सोना कम था। क्या नाम से दुकान? दुकान है विनायक ज्वेलर्स।